हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ सिलिकन्स के बारे में। देखिए, सिलिकन की बात करें तो ये वाटर रिपेलेंट होता है, इस वजह से इसका यूज़ वाटरप्रूफ क्लॉथ और पेपर बनाने में किया जाता है। अब वाटरप्रूफ क्लॉथ और पेपर को बनाने के लिए इनको सिलिकन वेपर में एक्सपोज किया जाता है। अब सिलिकन जो है वो लोअर टेम्परेचर पर विस्कस होते हैं, इसलिए इनका यूज़ लो टेम्परेचर लुब्रिकेशन में किया जाता है। अब ये इंसुलेशन प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, इसलिए इसका यूज़ इलेक्ट्रिकल मोटर और दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज में इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह किया जाता है। अब लुब्रिकेशन की बात करें तो इसका यूज़ हायर और लोअर टेम्परेचर पर एज ए लुब्रिकेंट किया जाता है और टेम्परेचर की रेंज ये हो जाएगी। इसके अलावा सिलिकन का यूज़ मोटर वाइंडिंग में वायर्स की कोटिंग के लिए भी किया जाता है और इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक मोटर हैं वो बिना किसी शॉर्ट सर्किट के लॉन्ग पीरियड के लिए हायर टेम्परेचर पर ऑपरेट हो सकती हैं। अब सिलिकन का यूज़ पेंट्स को डैम्प रेजिस्टेंट बनाने में भी किया जाता है। अब सिलिकन ऑयल्स की बात करें तो ये स्टेबल और नॉन वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए इनका यूज़ हाई टेम्परेचर ऑयल बाथ और हाई वैक्यूम पंप्स में किया जाता है। अब देखिए, अगर सिलिकन रबर का वल्केनाइजेशन किया जाता है तो उस केस में इसकी शेप और इलास्टिसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, मीन्स इनकी शेप और इलास्टिसिटी परमानेंटली होती हैं। इस वजह से ये रबर दूसरे रबर के कंपैरिजन में बेटर माने जाते हैं। अब देखिए, मेटल को कोरोजन और केमिकल अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर सिलिकॉन रेजिन की कोटिंग की जाती है। इसके अलावा सिलिकन्स की बात करें तो इनका यूज़ वैक्स और पॉलिश में भी किया जाता है और इन वैक्स और पॉलिश का यूज़ ऑटोमोबाइल, फर्नीचर्स और फ्लोर्स के लिए किया जाता है। अब सिलिकन्स की बात करें तो इनकी टॉक्सिसिटी कम होती है, इस वजह से इनका यूज़ मेडिसिंस और कॉस्मेटिक आइटम्स में भी किया जाता है। अब सिलिकन्स की बात करें तो इनका यूज़ थिंग्स को स्टिकिंग से प्रिवेंट करने में भी किया जाता है, मींस इनका यूज़ एज ए एडहेसिव किया जाता है। देखिए, एडहेसिव की बात करें तो उसका मीनिंग होता है दो चीज़ों को आपस में स्टिक करना, और एडहेसिव का मीनिंग होता है दो चीज़ों को आपस में स्टिक होने से प्रिवेंट करना। बेकर्स की बात करें तो ये ब्रेड को पेन से स्टिक होने से बचाने के लिए सिलिकन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा सिलिकन्स का यूज़ ग्लास फाइबर और ग्लास वूल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ और मॉइस्चर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में भी किया जाता है। ग्लास फाइबर और ग्लास वूल का यूज़ हीट इंसुलेशन में किया जाता है। अब सिलिकन्स के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होती है, इसलिए इनका यूज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंटी फॉर्मिंग एजेंट की तरह किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ फर्मेंटेशन प्रोसेस और सीवेज डिस्पोजल में भी किया जाता है। इसके अलावा सिलिकन्स का यूज़ कुकिंग ऑयल में फ्रोथिंग को प्रिवेंट करने में, पोटैटो चिप्स के प्रोडक्शन में और फ्रूट जूस के प्रोसेसिंग में भी किया जाता है। और सिलिकन्स का यूज़ केबल इंसुलेशन, गैसकेट्स, इंडस्ट्रियल सीलेंट्स, एडहेसिव, ऑक्सीजन मास्क, मेडिकल ट्यूबिंग, स्पेस सूट्स और हीट वाल्व्स में भी किया जाता है। अब डेंटल पॉली एंटीबायोटिक सिलिकन पेस्ट की बात करें तो इनमें पेनिसिलिन, बैकोट्रेसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का कॉम्बिनेशन होता है और इसका यूज़ रूट कैनाल थेरेपी में किया जाता है। अब सिलिकन एंटीफॉर्म की बात करें तो इसका यूज़ निमोनिया के एक्सट्रीम केस को ट्रीट करने में भी किया जाता है।